यहाँ पे जैसे दोस्तों मैं मोबाइल ऑन करता हूँ, नेट ऑन करता हूँ, तो कुछ इस तरीके की एड्स आ रही है मेरे मोबाइल में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोबाइल यूज करने नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके की एड्स मेरे मोबाइल में कंटिन्यूअसली रन कर रही है। डिस्प्ले वीडियो एड्स कैसे बंद करें, इस बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूअसली एड्स चल रहे हैं और यहाँ पे मेरे को परमिशन अलाउ के लिए भी ऑप्शन मांग रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैमसंग की यहाँ पे कुछ इस तरीके की एड्स मेरे को शो हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ, जैसे मैं एड्स ऑफ करता हूँ तो कुछ नए एड्स और यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं। जैसे मैं मेरा मोबाइल ऑफ भी है तब भी यहाँ पे एड शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मैं कर पा रहा हूँ। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे पॉपअप एड शो हो चुका है। तो यहाँ पे गाइज इन एड्स को रोकने के लिए जो मैं सेटिंग्स बताता हूँ उनको आपको ध्यान से देखना है। जो भी आपका मोबाइल हो यहाँ पे सभी मोबाइल पे एड्स ब्लॉक करने के लिए ये आपके लिए फायदेमंद वीडियो रहेगा। इसे स्टेप बाय स्टेप देखिए और इसे कहीं पर स्किप ना करिए। जैसे हम सेटिंग वाले आइकन में आते हैं, जैसे हम सेटिंग वाले आइकन पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे मोबाइल में जो भी यहाँ पे फंक्शन है यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे एप्लीकेशन एंड परमिशन, जो एक फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे हम इससे पहले कंटिन्यूसली करते हैं। तो जैसे गाइज हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें फर्स्ट में दिखेगा ऐप मैनेजर, या आपके मोबाइल में ऐप लिस्ट हो सकता है या ऐप्स वाली ऑप्शन हो सकती है, काफ़ी है इतना ही। तो जैसे आप इस पर टैप करते हो आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड है यहाँ पे सभी एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपके मोबाइल में एडवेयर डाउनलोड हो चुका है तो एडवेयर आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन ऑन करनी है। जैसे मेरे मोबाइल में यहीं से मेरे को डार्क मोड का ऑप्शन दिया जाता है, तो आपके मोबाइल में नाइट मोड वाला भी ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे नाइट मोड में करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट में जो व्हाइट वाला आइकन बना आ रहा है तो इसको हमें क्लिक करना है और इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे हम यहाँ पे अनइंस्टॉल करते हैं, यह हमारी फर्स्ट स्टेज है। अगर आपके केस में यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपने रिसेंटली कोई ऐप डाउनलोड किया है या आपको चेक करके देखना है, जिससे हमें जो हमारे यूजेस में आता ही नहीं है और हम उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे जो जो ऐप्स है इसमें हमें चेक करना है और चेक करके उसे यहाँ से अनइंस्टॉल करना है। जो सिस्टम ऐप्स है तो ये समझ के चलिए, या डिसेबल वाला जो सिस्टम ऐप्स होते हैं उनको यहाँ पे डिसेबल ऑप्शन हमें दिखाई देगा, और जो यहाँ पे सिस्टम में नहीं है उन्हें अनइंस्टॉल का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। उन्हें उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल की जो एप्लीकेशन है उसे हमें यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। तो ये हमारी फर्स्ट सेटिंग रहेगी। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे आपको और एक बार चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे क्रोम एड्स आ रहे हैं, कहीं पे भी एड्स आ रहे हैं, तो आपको फर्स्ट क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद इंटरनल स्टोरेज में जाना है। जैसे आप इंटरनल स्टोरेज में आओगे यहाँ से क्लियर चेचा और क्लियर डेटा यहाँ से कर देना है। फिलहाल तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स है इसलिए। तो यहाँ पर इतना हो जाने के बाद जैसे मैं यहाँ से बैक लेता हूँ, बैक लेने के बाद सेकेंड स्टेप जो हमें करनी है यहाँ पे बड़े ही ध्यान से देखिए जिससे आपको पता चले। तो यहाँ पे हमें ऊपर स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे हर एक मोबाइल में यहाँ पे गूगल वाला ऑप्शन दिखाई देता है, तो यहाँ पे आप गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे एड्स वाले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिलीट योर एडवर्टाइजर आईडी पे क्लिक करना है और डिलीट योर एडवर्टाइजर आईडी यहाँ से डिलीट कर देनी है। जैसे आप डिलीट करोगे आपका यहाँ पे जो एडवर्टाइजर आईडी है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से बैक लेना है। बैक लेने के बाद गाइस सिंपली आपको एक काम करना है, यहाँ से आपको दूसरा जो सेटिंग्स है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। जैसे आप बैक आ जाओगे, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चले जाना है क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर यहाँ पे ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट्स दिखाई देते हैं, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो सेटिंग वाला ऑप्शन है, इस पर टैप करिए। इस पर टैप करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे
ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे साइट सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हमें टैप करना है। जैसे आप टैप करते हो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कुकीज। जैसे आप क्रोम ब्राउजर का चेचा क्लियर करते हो तो यहाँ से सब हट जाएगा, अगर नहीं करते हो तो इस केस में हमें यहाँ पे चेचा भी एक और कुकीज भी हमें यहाँ से हटानी है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कुकीज है, तो इसको मैंने यहाँ पे ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज पे थर्ड वाले ऑप्शन पे सेव रखा है। आप यहाँ पे ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जहाँ पे यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिल रहा है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज, यहाँ पे जो हाइड मोड में, यानी ये जो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है गाइस क्रोम में, जहाँ पे हम अपना विदाउट इंफॉर्मेशन दिए किसी भी पेज को एक्सेस कर सकते हैं, उस वाले पेज पे अगर आपको थर्ड पार्टी कुकीज यानी जो भी है आपकी यहाँ पे ना आए और वहाँ से एड्स भी ना आए और कोई मालवेयर भी अपडेट ना हो या कोई आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर या कुछ भी चीज़ें ऐड ना हो, इसलिए यहाँ पे हम इसे भी ऑफ कर देंगे थर्ड पार्टी कुकीज को भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैक लेंगे। बैक लेने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको दूसरा नीचे ऑप्शन मिलेगा पॉपअप एड्स का। अगर आपके केस में ये ऑन है तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। तो ऑफ रखोगे तो आपको कोई भी पॉपअप ऐड शो नहीं होगा, ऑन रखते हो तो आपको पॉपअप ऐड, जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे तो पॉपअप ऐड्स आपके लिए यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एड्स वाला ऑप्शन है। यहाँ पे एड्स वाले ऑप्शन में अगर गाइज आप इसे ऑफ रखते हो तो आपको कोई भी एड्स शो नहीं होने वाली है, अगर आप इसे ऑन रखते हो तो यहाँ पे आपको एड्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको इसे यहाँ से ऑफ ही रखना है। तो ये सेटिंग ऑफ ही रखने के लिए है, तो ये याद रखिए। तो इतना हो जाने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक लेना है। जैसे आप यहाँ से बैक लोगे, बैक लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके पास प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो जो आपका यहाँ पे आईडी लॉगिन है यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज एप्स पे चले जाइए। मैनेज एप्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा मैनेज करके, इस पर आप टैप करिए। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन दिखाएंगे और उसके बाद यहाँ पे गेम्स वगैरह दिखाएंगे और यहाँ पे रिसेंट अपलोड, यहाँ पे रिसेंट में कोई आपने जो अपलोड किया है जिस वजह से एड्स आ रही है उसको भी आप यहाँ से हटा सकते हो। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे नॉट इंस्टॉल्ड यानी जैसे आपने जो भी यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद डिलीट मार दी है, तो यहाँ पे क्या है कि जितना भी आपका डेटा है ये सब यहाँ पे सेव होता है, जिस वजह से ये जो टूल्स है हमारे मोबाइल में वापस से ऐड जनरेट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी डेटा होता है इनके पास बैकअप होता है जो सेव किया होता है हमारा डेटा, तो इस वजह से ये वापस से ऐड आना स्टार्ट होते हैं और ये बैकग्राउंड में भी रन होते हैं। तो आप इसे यहाँ से इजीली हटा सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है आपके लिए, यहाँ से इन सभी को डिलीट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे, जैसे आपने टैप किया तो इसे यहाँ से हटा सकते हो। तो ये हो जाने के बाद गाइस यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पे आपकी जितनी भी टोटल सेटिंग थी वो तो यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन प्ले स्टोर में और एक सेटिंग आता है। तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे अंदर मोबाइल में, तो यहाँ पे प्ले स्टोर में आने के बाद आपको क्या करना है, एड्स यहाँ पे ब्लॉक, एड्स ब्लॉकर लिखोगे, एड्स बीबी लिखोगे। यहाँ पे फर्स्ट में ऑप्शन दिखेगा एड्स ब्लॉकर, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे एड्स ब्लॉकर है, लेकिन जो मैं सेटिंग बताया हूँ उतना सेटिंग करने के बाद आपको कोई भी एड्स नहीं आएंगी। तो यहाँ पे इन एड्स ब्लॉक का यूज़ करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एप्लीकेशन एक डाउनलोड करके यहाँ से भी अपने एड्स ब्लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सेटिंग हो जाने के बाद मैं आपको और एक नेक्स्ट लेवल की सेटिंग बताता हूँ। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन में आओगे, यहाँ पे आपको लिखना है सर्च में DNS। जैसे DNS लिखोगे यहाँ पे प्राइवेट DNS का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, अगर आपका क्लोज है, अगर मान के चलो आपके मोबाइल में बार बार एड्स आ रहे हैं और आप इसे कंटिन्यूसली परेशान हो, तो यहाँ पे आपके मोबाइल में प्राइवेट DNS प्रोवाइडर का ऑप्शन है, इसको आपको टैप करना है। जैसे आप इस पे रखोगे तो अपने आप ही आपका मोबाइल एक DNS जनरेट कर देगा जो आपके लिए सेफ होगा। तो यहाँ पे क्या है,
कि ये भी आपके मोबाइल में जो एड्स आ रहे हैं इनको ब्लॉक करने में सक्षम रहता है, जहां से आपके मोबाइल में या वीडियो पे, मोबाइल डिस्प्ले वीडियो पे कोई भी एड्स यहाँ पे शो नहीं होगा। तो इतने सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। और गाइज, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में।